नमस्ते, मैं डिंपल शर्मा। आज 8 मई 2019 दिन बुधवार। आज हम बात करेंगे फिटकरी की। फिटकरी के उपाय ऐसे कौन कौन से हैं जिससे आपकी नज़र दोष बच सकती है? अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो घर का मुखिया है, उसे ऐसा लगता है कि मेरी घर परिवार में सुनते नहीं हैं, तो वो ऐसा कौन सा उपाय कर सकता है कि ताकि लोग उसकी बातें सुनने लगे, परिवार में उसकी एक इमेज बनी रहे। तो हम बात करेंगे आज फिटकरी के उपाय की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर घर के मुखिया को ऐसा लगता है कि परिवार में मेरी कोई अहमियत नहीं है या फिर मेरी कोई सुनता नहीं है, तो वो ऐसा कौन सा उपाय करे? तो इसके लिए घर का जो मुखिया है, सबसे पहले तांबे का एक लोटा ले, उसमें पानी भरकर अपने पलंग के नीचे रात को सोते वक्त रख दे। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करें और गुरु मंत्र का जाप करते हुए इस जल को पीपल के तने में चढ़ा दे। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहेगी और उनका वर्चस्व भी बना रहेगा। अगर कोई नजर दोष से पीड़ित है तो क्या करें? नजर दोष से पीड़ित व्यक्ति के राहत के लिए भी फिटकरी का टोटका बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इस टोटके को करने के लिए आप मंगलवार या शनिवार के दिन का चयन कर सकते हैं। अब एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा ले, जिसे नजर लगी है उसे लिटा दे तथा फिटकरी के टुकड़े को लेकर उसके शरीर पर माथे से लेकर पैर तक घड़ी की दिशा के हिसाब से 7 बार घुमाएं। क्लॉकवाइज घुमाना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो फिटकरी का टुकड़ा है वो शरीर से लगना चाहिए। इस क्रिया को आप दिन में 3 बार करें, अर्थात सुबह करें, दोपहर में करें एवं शाम को करें। एक ही दिन में नज़र दोष बाधा से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अगर बच्चों को स्वप्न दोष है या बुरे स्वप्न आते हैं तो क्या करेंगे? एक छोटी डली फिटकरी ले और इसे बच्चे के तकिए के नीचे रख दें। इसके प्रभाव से बच्चा जब सोएगा तो बुरे स्वप्न उसे परेशान नहीं करेंगे और बच्चे का चमकना या चीखना बंद हो जाएगा। इस क्रिया को आप किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन करें। फिटकरी के ये टोटके में यह एक अत्यंत सरल और असरदार टोटका है, जिसे कोई भी बिना परेशानी के आजमा सकता है। ये तो हमने जाना कि फिटकरी से हम क्या क्या परेशानियों से उभर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि देखें, आज मेष राशि के लिए क्या है। मेष राशि का दिन आज बहुत शुभ और बहुत खुशनुमा व्यतीत होने वाला है। कार्य आगे से आगे बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और यहाँ तक कि परिवार के साथ बाहर प्रोग्राम भी बन सकता है। यहाँ सामाजिक क्षेत्र में हम बात करें तो आपकी ख्याति और बढ़ती हुई नजर आ रही। सेहत का मगर थोड़ा खास ख्याल रखें। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य साथ देगा 75%। वृषभ राशि वाले देखें, आज आपके लिए हमारे पास क्या है। वृषभ राशि वाले, फिनेंस संबंधी अगर हम बात करें तो आपको बहुत प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। पारिवारिक स्थितियां और बेहतर नज़र आ रही है। आज मेहमानों का आगमन भी लगा रहेगा। गाड़ी थोड़ी संभल के चलाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए वाइट, भाग्य साथ देगा 60%। मिथुन राशि वाले देखें, आपके लिए क्या है। मिथुन राशि वाले, घर में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं बन रही है। कार्य क्षेत्र में बहुत विस्तार होने वाला है। यहाँ तक कि आज आपके जो बॉस वगैरह रहेंगे आपसे बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों संबंधित आपको गुड न्यूज़ मिलने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य साथ देगा 75%। कर्क राशि वाले देखें, आज आपके लिए हमारे कार्ड्स क्या लेके आए हैं। कर्क राशि वाले, बिजनेस संबंधित आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आग से थोड़ा बच के रहिए, ये आपके लिए विशेष सलाह है आज के लिए। पारिवारिक स्थितियां भी आज डगमगा सकती है, तो बेटर है कि घर के कार्यों में ना हस्तक्षेप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करें सामाजिक तौर पे आपकी ख्याति और बढ़ने वाली है और यहाँ तक कि आपको कोई पुरस्कार मिलने की भी संभावना दिख रही है।
शुभ रंग आपके लिए वाइट भाग्य साथ देगा 75%। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की। देखें सिंह राशि के लिए आज क्या है। सिंह राशि वाले, आज आप अगर पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आज जा सकते हैं, और यहाँ तक कि आज आपके जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। परिवार में देखा जाए मांगलिक कार्य की संभावनाएं बन रही है, जो अविवाहित हैं उनके लिए प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। कोशिश यही करिए कि अपने फैसले खुद लें तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए लाइट ब्लू, भाग्य साथ देगा 60%। कन्या राशि वाले, देखें आपके लिए आज कार्ड्स क्या लेके आए हैं। कन्या राशि वाले, सुबह तो आपकी बहुत खुशनुमा और अच्छी गुजरेगी, शाम होते होते थोड़ा आप स्ट्रेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखिए। पारिवारिक स्थितियों में आपको जो दिक्कतें चल रही थी वो आज आपकी पूर्ण रूप से खत्म होती हुई नजर आ रही है। सेहत का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई पुरानी बीमारी अगर आपकी थी तो वो उभर के आने की संभावनाएं बन रही हैं। शुभ रंग आपके लिए ब्लू, भाग्य साथ देगा 55%। तुला राशि वाले, देखें आपके लिए आज क्या है। तुला राशि वालों, आज आपकी जो भी व्यापार संबंधी समस्या चल रही थी वो खत्म होती नजर आ रही है। यहाँ तक कि आपके बॉसेस वगैरह आपसे बहुत खुश होंगे। अगर आप कुछ नए वेंचर में जाने की सोच रहे हैं तो ये आपका उत्तम समय है। पारिवारिक स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं, रिश्तेदारों से मेल मिलाप बढ़ने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही है। अगर हम बात करें आपके फिनेंस की, उसकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ा सकती है, अपने खर्चों पे काबू रखें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन, भाग्य साथ देगा 65%। वृश्चिक राशि वाले, देखें आज आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले, आपका दिन बनता हुआ नजर आ रहा है, आपके खर्चों पे काबू होता हुआ नजर आ रहा है, सुख सुविधाओं के साधन पे जरूर खर्चा दिख रहा है, परिवार की स्थितियां और बेहतर नजर आ रही, गाड़ी थोड़ा संभल के चलाइए, स्ट्रेस थोड़ा आपको रह सकता है, कोई पुरानी बीमारी भी उभर के आ सकती है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम, भाग्य साथ देगा 70%। धनु राशि वाले, देखें आज आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। धनु राशि वाले, कोशिश यही करिए कि अपने डिसीजन खुद लीजिए, सुने सबकी मगर करें अपने मन की, किसी के भी बहकावे में ना आए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। थोड़ी अनबन फैमिली में हो सकती है, उस चीज़ का खास ख्याल रखने, अपनी वाणी पे विराम लगाएं। पैसों संबंधी अगर हम बात करें तो वो आता हुआ नजर आ रहा है, सामाजिक तौर पे आपकी ख्याति और बढ़ने वाली और नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य साथ देगा 65%। मकर राशि वाले, देखें आज आपके लिए हमारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। मकर राशि वाले, सुबह हो सकता है आज आपको बहुत परिश्रम करना पड़े अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, लेकिन शाम होते होते आपका ये मेहनत रंग लाएगी और आपके कार्य में सफलता आप पाएंगे। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट केसेस हैं, तो वो भी आज सॉर्ट आउट होते नजर आ रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए ब्लू, भाग्य साथ देगा 75%। कुंभ राशि वाले, देखें आज आपके लिए क्या है। कुंभ राशि वाले, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, जज्बात में आके कोई भी डिसीजन न लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। सेहत का खास ख्याल रखिए, लेडी लक आज आपका कार्य करने वाला है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फैमिली मेंबर्स की सलाह ज़रूर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए क्रीम, भाग्य साथ देगा 55%। मीन राशि वाले, देखें आपके लिए आज क्या है। मीन राशि वाले, समय आपका बदलता हुआ नज़र आ रहा है, हो सकता है आज आपको ऐसा लगे कि आज का दिन आपके लिए नहीं है, मगर ये जो समय आपको बदल रहा है ये आगे आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें देने वाला है। सेहत का खास ख्याल रखिए और इलेक्ट्रिक आइटमों से थोड़ा संभल के रहिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पर्पल, भाग्य साथ देगा 75%। ये तो हो गए आपके दैनिक राशिफल। आज की सलाह, आज ऐसा क्या करें कि आपकी अगर वाणी संबंधी आपको प्रॉब्लम है, आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, आपको कई बच्चे हकलाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटर है कि सौंफ लीजिए, लाल कपड़े में बांध के तकिए के नीचे अगर रख के सोएंगे 21 दिन तक, तो आप देखेंगे इन समस्याओं से आपको निजात मिल गया है।
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। नमस्ते।